इस वक्त हम मौजूद हैं बेनीपट्टी प्रखंड के मेघवन पंचायत में, और आज के शो में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुल्तान जफर। इनकी पत्नी मुखिया पद की उम्मीदवार है, जिनका नाम है निषाद फातिमा। मेघवन पंचायत से ये मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इनसे आज खास बातचीत करेंगे, इन मुद्दों को लेकर ये पंचायत चुनाव में आए हैं, इनका विजन क्या है पंचायत के प्रति। और मैं आपको बता दूं, इनकी जो क्वालिफिकेशन है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो है इन्होंने इकोनॉमिक्स में एमए किया है। तो आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे कि आखिर पंचायत चुनाव में आने का क्या उद्देश्य है इनका। तो चलिए सीधे बात करते हैं सुल्तान जफर से। सबसे पहले आपका स्वागत। शुक्रिया आप सब लोगों का, खुसूसन आपकी पूरी टीम का और हमारे पूरे पंचायत के लोगों का, और आपका खुसूसन कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा, ये बताइए, पंचायत चुनाव में आए हैं, सबसे पहले तो दर्शक को ये बता दीजिए कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, कहाँ से आपने इकोनॉमिक्स में एमए किया। मेरी जो बेसिक पढ़ाई है शुरुआती दौर की, वहीं यहीं नदरा मिडिल स्कूल से जी, फिर बसेठा स्कूल से मैंने हाई स्कूल किया, फिर अलीगढ़ से ग्रेजुएशन और मास्टर किया इकोनॉमिक्स में, और उसके बाद मेरा कुछ नौकरी का तजुर्बा रहा दुबई में, फिर मैंने कुछ बिज़नेस किया दुबई में, फिर यहाँ अभी बिज़नेस में हूँ मैं। अच्छा, यहाँ किस चीज़ का बिज़नेस? मेरा कंस्ट्रक्शन का है, रोड कंस्ट्रक्शन और नाले वगैरह का, जो भी गवर्नमेंट की जो भी, मैं PWD में मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, तो वहाँ जो भी काम होता है उसमें कॉन्ट्रैक्टर हूँ मैं। तो पंचायत चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं, इससे पहले भी लड़ रहे हैं? नहीं, ये पहली बार लड़ रहा हूँ मैं। पंचायत चुनाव में आने का क्या उद्देश्य है ये बताइए। असल में पिछले 20 सालों से मैं लोगों से काफ़ी अटैच रहा हूँ गाँव में और अपनी पूरी पंचायत में, और हम लोगों ने मिलजुल के एक सपना देखा था कि मेघवन पंचायत को एक आइडियल आदर्श पंचायत बनाना है, और बहुत अफसोस हुआ देख के कि सारी उम्मीदों पे जो पिछले दो कैंडिडेट रहे हैं उन्होंने पानी फेर दिया, और जो लोग जहाँ पे थे उनसे भी बुरी हालत में हैं। यहाँ पे जन वितरण की और पढ़ाई की और हेल्थ की जो सूरत हाल है वो पूरे बिहार में सबसे, हमको लगता है, हम लोग पेपर देखते हैं, मीडिया में भी रहते हैं थोड़ा बहुत, सबसे बुरी हालत है इस पंचायत की। इससे बुरी हालत आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। थोड़ा पंचायत के बारे में हम जानना चाहेंगे कि कितने वार्ड हैं, कौन कौन से गांव आते हैं इस मेघवन पंचायत के अंतर्गत। इसमें टोटल 15 वार्ड हैं, जो गांव इसमें आते हैं वो मेघवन है, सिनहुली है, मतरहरी है, गुलरिया टोल है, नदरा है और रानीपुर का कुछ हिस्सा है। अच्छा। और मालकाना भी है जो नदरा से सटा हुआ, नदरा के पश्चिम में गाँव है वो भी है ये। तो क्या लगता है कि 20 सालों की आप बात कर रहे हैं, इस 20 साल में कुछ विकास नहीं हुआ? नहीं, बहुत बुरी हालत। विकास क्या, जो था उसको भी लोगों ने लूट खसोट का अड्डा बना लिया लोगों ने, और यहाँ पे ज़्यादातर लोग जानते हैं कि इसमें किन लोगों का रोल रहा, और जो हालत थी उससे भी बुरी हालत होती गई। तो मजबूरी में मुझे ये फैसला करना पड़ा कि नहीं, यहाँ की सूरत हाल बदलनी चाहिए, और यहाँ जो ये ग्राम के जो मुखिया हैं या सेवक हैं या जो लोग हैं, ईमानदारी का कुछ यहाँ पे वो सबूत दें, और मैं उसको साबित करने के लिए कि नहीं, दुनिया में ईमानदारी भी एक चीज़ है, आया हूँ इस सियासत में, और मेरी कोशिश रहेगी कि इस पंचायत को बहुत ही आगे तक, मेरा एक विज़न है, सपना है कि साफ़ सुथरी पंचायत और ईमानदार लोग सब आगे आएँ और इसको आगे ले कर चलें। तो क्या सब विज़न है, आप अगर जीतते हैं मुखिया बनते हैं क्या सब करने की चाहते हैं? मेरी जो यहाँ पे जो प्रायोरिटीज़ हैं, एक तो ये कि स्कूल है, स्कूल की हालत अब देख लीजिए, यहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उनकी सूरत हाल देख लीजिए, पढ़ाई के नाम पे कुछ भी नहीं है। स्कूल की जो भी, स्कूल का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी लोगों ने लूट खसोट का अड्डा बना लिया। अच्छा। गरीब बच्चों को जो तालीम तो कुछ है ही नहीं, उनकी जो कुछ चीज़ें गवर्नमेंट स्कीम के तहत आती हैं, जैसे उनके खाने पीने का मिड डे मील्स है या उनके बच्चों को कुछ पैसे मिलते हैं, सबको लोगों ने लूट खसोट के उसकी हालत बुरी कर दी। दूसरा ये कि जन वितरण की हालत देख लीजिए, बहुत ही ख़राब, मतलब बहुत सूरत हाल, बहुत ही बदतरीन सूरत हाल है, लोग परेशान हैं। इस लॉकडाउन में लोगों को राशन नहीं मिला, जिसके जबकि गवर्नमेंट की स्कीम थी कि जिनको आधार कार्ड, राशन कार्ड नहीं है उनको आधार कार्ड पर भी राशन देना है, लेकिन लोगों ने बंदर बाँट मचा रखा है, किसी को राशन प्रॉपर नहीं मिला। हम लोगों ने बाप से जाके देखा है, सर्वे किया है, जहाँ जहाँ 10-10 लोग हैं जिस फैमिली में, उसमें किसी को एक लोगों का राशन है, किसी का दो का राशन है, किसी को नहीं है, तो बहुत बुरी हालत है। तीसरा, आपने देखा होगा नदरा जब आए होंगे तो सड़कों की हालत देखिए, नालों की, अच्छा खासा जो लूट खसोट है उसका सबूत है ये, सड़कों का बुरा हाल है, तबाही है, नाले सब ख़राब हैं। लाइट्स वगैरह की काफ़ी अच्छी स्कीम थी, आप कहीं पर
लाइट है कहीं पे, ऐसे ही जो लटका दिया है लोगों ने, 25-30 रुपये वाला बल्ब है तो सारा। और उसके बाद हेल्थ में यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ बेसिक हेल्थ सेंटर वगैरह की है गुंजाइश, तो जो लोग भी प्रतिनिधि कभी उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि ये सब भी है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर होता वो है या नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ पे इस पंचायत की मैं बात कर नहीं, कहीं पे आपको दिखने ऑन पेपर होगा लोगों ने, लेकिन कहीं आपको मिलेगा नहीं कि कोई प्राइमरी सेक्टर है। और छोटी छोटी बीमारियों बुखार खांसी और सर्दी के लिए लोग बेचारे मजबूर हैं और बाहर से दवा लाते हैं और लोग मिसयूज़ होते हैं, गलत इस्तेमाल होते हैं लोगों का, तो वो सारी सूरत हाल बहुत ही बुरी सूरत हाल है। इसलिए मजबूरी में मुझे फैसला करना पड़ा कि नहीं, हम लोगों को आना चाहिए ऐसे लोगों को। अक्सर लोगों का यह रहता है कि यार ये शरीफ लोगों का है नहीं, ये इसमें शरीफ लोग चल नहीं पाएंगे। तो कितने उम्मीदवार हैं आपके पंचायत? यहाँ पे 13 उम्मीदवार हैं। खुद को कहाँ पा रहे हैं आप? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल रैली की, और फिर भी है कि मेरा बैकग्राउंड है यहाँ पे, मैंने लोगों के बीच में ज़िंदगी गुजारी है, बहुत सारे लोगों का प्यार देख के बहुत मैं खुश हूँ मैं, और बहुत मुतमईन हूँ कि इंशाल्लाह हम जीत रहे हैं और बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं इंशाल्लाह। समाज सेवा में क्या सब योगदान रहा है? चूँकि आप बता रहे हैं यहीं रहें अपने पंचायत में रहें, कुछ योगदान होगा जो सोशल एक्टिविस्ट का होता है समाज सेवा। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने हर सतह पे लोगों की मदद की है यहाँ पे, जो लोग भी हैं जहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ, जो मेरी लिमिट है उसमें आप किसी से भी मेरे बारे में पूछ सकते हैं, गरीब लोगों का इलाज हो या उनकी पढ़ाई हो और या उनके किसी भी मैटर में घर बनाने में या किसी की शादी ब्याह में मदद हो, हम लोगों ने खुल के मदद की है जितनी हम लोगों की ताकत है। और इसकी इसी बुनियाद पे हम लोगों ने फैसला किया कि नहीं, बड़े पैमाने पे लोगों की मदद हो सकती है अगर गवर्नमेंट की स्कीम हम लोगों के हाथ लगे, ईमानदारी से इस पर काम हो तो बड़े पैमाने पर काम हो सकता है इस पर, और ज़्यादातर लोगों की मदद हो सकती है जिनकी मदद जिन्हें मदद की बे इंतहा ज़रूरत है। तो इसी को बुनियाद बना के कि जो हम लोग ज़ाती तौर पे अपने इस पे कर सकते हैं, और अगर गवर्नमेंट की स्कीम साथ रहे, लोगों का प्यार रहे, तो हम पूरी पंचायत को एक आइडियल पंचायत, खूबसूरत पंचायत और देखने वाला पंचायत बनाएंगे इंशाल्लाह, लोगों से वादा है मेरा ये। अच्छा, यानी आइडियल पंचायत आप बनाना चाहते हैं, कैसे यकीन दिलाएंगे इस पंचायत की जनता को, क्या कहेंगे? नहीं, हमारी जो लोग असल में बहुत ही अटैच हैं, एक दूसरे को जानते हैं, ये पंचायत ऐसा पंचायत है कि सब घर हैं हम लोगों का, आपस में हम लोग मिलते जुलते हैं, तो सब एक दूसरे के बारे में जानते हैं, कौन कहाँ है, इसका क्या बैकग्राउंड है, सब बेहतरीन तरीके से जानते हैं। और हम लोग की जो ज़िंदगी है, कभी नहीं देखिएगा कि हम लोगों ने कभी ज़िंदगी में किसी का हेरा फेरी, किसी से पैसे लिए हो, किसी की बेईमानी की हो, तो लोग हमें उम्मीद है कि हम पे भरोसा करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे और हम अपनी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको इस पंचायत की जनता मौका देती है, आप मुखिया बनते हैं, पहला काम किस फील्ड में होगा, किस क्षेत्र में? नहीं, मेरा जो सबसे बेसिक है वो है कि मैं एजुकेशन पे ख़ास मेरी तवज्जो है, क्योंकि मेरा एक ये है कि अगर एकाक बच्चा भी एक घर से पढ़ लेता है तो वो अपने घर के लिए और अपनी सोसाइटी के लिए एक एसेट है, सरमाया है। तो एजुकेशन होगा पहली मेरी प्रायोरिटीज़ है, उसको मैं इम्प्रूव करूँगा इंशाल्लाह। तो लगभग इलेक्शन से पहले तो लोग ऐसा ही बोलते हैं, क्या आपके जीतने के बाद भ्रष्टाचार नहीं होगा, इस बात की क्या गारंटी? नहीं, मैंने पहले भी कहा है ये बात कि लोगों की जो का जो पास्ट है, जो उनको देखें लोग, अगर भ्रष्टाचार करता है तो एक आदमी की आदत होती है वो करता रहता है, उसका पीछे भी उसकी एक बैकग्राउंड होता है पीछे कि वो भ्रष्टाचारी है। मेरे बारे में पता करें और सबके बारे में पता करें कि कौन इन सब बीमारियों में मुब्तला है, और अगर मैं भ्रष्टाचारी हूँ, कभी किसी के साथ कुछ किया है, तो आप सबूत तो लाके। क्या आपके पंचायत की जनता पूरी तरह मुतमईन रहे? नहीं, इंशाल्लाह आपको मैं लंबा वक्त नहीं लूँगा आपसे, पंचायत के लोगों से, मुझे 3 से 6 महीने का वक्त दीजिए। आपको यहाँ पे तब्दीली नज़र नहीं आए तो आप मुझसे सवाल जवाब क्या, मैं हर तरह से तैयार हूँ कि मैं छोड़ दूँगा, मेरे पास सबूत के साथ आए कि मैंने कहीं पर हेरा फेरी, कहीं पर बेईमानी या किसी बेईमान के साथ मैं खड़ा हूँ, इंशाल्लाह बहुत सख्ती से निपटूंगा जो लोग बेईमानी में और दलाली में हैं, और लोग इंशाल्लाह भरोसा करेंगे मेरी बात का। और मेरा जो सिंबल है वो पुल है, ब्रिज, पुल छाप है, सीएल नंबर 5 है। तो लोगों से मेरी वाइफ हैं, उनका नाम है निशात फातिमा, और लोगों से मेरी गुजारिश है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँचें और वोट करें और एक मौका मुझे दें और ये कि तब्दीली लाएँ इंशाल्लाह, और तब्दीली आपको दिखेगी भी। बहुत बहुत शुक्रिया।
अभी हमारे साथ बात कर रहे थे सुल्तान जफर, जो बेनीपट्टी प्रखंड मेघवन पंचायत से हैं, और इनकी पत्नी निषाद फातिमा जो है मेघवन पंचायत से मुखिया प्रत्याशी है। इनकी क्या सोच है पंचायत को लेकर, ये भी आपने सुना। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इकोनॉमिक्स से इन्होंने एमए किया है, एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। इनकी विचारधारा को आपने सुना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप देख रहे थे वीओएस 24 न्यूज़ का खास शो पंचायत चुनाव यात्रा। बहुत बहुत धन्यवाद।